और खबरों की ओर करेंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर में नगर निगम में बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। बता दें कि महापौर एजाज ड्रेवर ने पर्यावरण को बचाने के लिए नगर निगम में बर्तन बैंक की शुरुआत की है। इसके साथ नगर निगम द्वारा आम जनमानस को कम दाम में बर्तन की सुविधा मिल पाए। दरअसल प्लास्टिक के बढ़ते प्रभावों को कम करने के लिए इस बैंक का उद्घाटन किया गया है। बर्तन बैंक से महिलाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। रोजगार इन लोग को बहुत बड़ा रोजगार मिल रहा है। ये हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का योगदान है, जो समूह की महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। और हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय महापौर जी का ही देन है ये बर्तन बैंक का, हमारे सभापति जी का ही सोच है। और हमारे आए हुए विकास भैया भी सोच रहे थे ऐसा महिलाओं के लिए कुछ न कुछ हम लोग करेंगे करके, और हमारे जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं उनका भी सोच था कि हम महिलाओं के लिए कुछ न कुछ करेंगे करके। तो आज हम सब भी महिलाओं को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उनको रोजगार मिला। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो स्वच्छता है, स्वच्छता एक कदम और आगे बढ़ गया इस बर्तन बैंक से। निश्चित तौर पर इसमें पर्यावरण को बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी चीज जो डिस्पोजल यूज होते थे, जो जिस तरीके से नलियों में जाम होते थे, उसके बाद फिर बीमारियां होती थी, उसके बाद फिर तरह तरह के जो वार्डों में जिस तरीके की बीमारी फैलती थी, तो ये एक नई शुरुआत आज नगर निगम के द्वारा की गई है। ये बर्तन बैंक की स्थापना आज की गई है। 3 जोन में आज ये चालू हुआ है, जोन 4, जोन 7 और जोन 8। ये बर्तन बैंक उन महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त देगा जो महिलाएं हमसे जुड़ी हुई एसजी के माध्यम से। उन लोगों को अभी तक के खाली मांस काटना, ये करना, इसी तक के उनको जो नगर निगम के जो काम होते हैं या फिर यूजर चार्ज की वसूली, यहीं तक के उनको इस्तेमाल किया जाता था। पहली बार ये महिलाओं को रोजगार देने का रोजगार इनको मिल रहा है।